हो रही है। सब क्या देखना पड़ा, नेक्स्ट लेवल डांस। आ जलाओ स्वागत है आपका हमारे प्राण प्रतिष्ठा ब्लॉग 2 में। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आज सनातन युग चेहरों की मुस्कान के पीछे का कारण है सिर्फ एक, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। 500 साल एक तंबू में रहने के बाद आ रहे प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने, और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत में पहली बार 22 जनवरी के दिन मनाई जा रही है दिवाली। इसीलिए आज हर घर में दिए जलाए जाएंगे, लेकिन जितने भी दिए जलाएं उसमें से एक दिया कम जलाएं और उस दिए का बचा हुआ तेल लट पर लगाएं। क्या नहीं बोला तू? लट पर लगाएं। जो कोई भी व्यक्ति राम मंदिर पे जान पेलता नजर आए कि मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था या विद्यालय होना चाहिए था, वही लट चमके बने। तो चलिए इस गान को करते हैं हम यहीं पर समाप्त और इस ब्लॉग को करते हैं जय श्री राम के नाम से प्रारंभ। मेरे पापा का तो एक अलग ही स्वैग चल रहा है भाई, उन्होंने अपनी गाड़ी पे भी भगवा लगा रखा है। ये देखो फिलहाल मैं आ गया हूँ छत पर, क्योंकि मंदिर में हो रही आरती। लाइव देख रही हो क्या? प्राण प्रतिष्ठा मैं भी देख रहा था। तो भैया मैं तो आ गया हूँ मंदिर से घर पर, क्योंकि मंदिर पे हो रही थी आरती। ये रहा हमारा मंदिर, हमारे घर की छत से भी दिखता है। ये रहा ऐसी कुछ है गली हमारी। और हमारा भगवा तो दिखाना ही भूल गया तुम्हारे को। अरे भगवा तो पहले जरूरी है भैया, अजमेर में तो सारे भगवा झंडे ही मिलने बंद हो गए, सारे गुब्बारे खत्म, ना फर्रियाँ हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, सब खरीद लिया इसने, पहले ले लिया ले लिया। ऐसी भीड़ लग रही है पटाखे की दुकान पे, इतनी खतरनाक भीड़ हो रही है। A few moments later. ओ भाई भारत तो बच्चे बच्चे आ गए हैं बहुत सारे, फुल डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल डांस। आया परेशान हो गया मेरा बेटा। हाँ तो फाइनली बच्चों के लिए कोई नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक लेके आ जाते हैं। हाँ 2 लीटर जो सबसे बड़ी हो। तो चलिए भैया कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक सब आ गई, चलो भैया घर पे ले लो गाड़ी। अरे आओ मामा, इससे कम होगी ना उसको दूंगा, ऐसा करो आगे। दिवाली है तो तैयार होके एकदम रेडी वेडी हो गए हैं अपन, क्या पता कोई पसंद कर ले। तो अभी जा रहे हैं अपन मंदिर दिए लगाने, मोदी जी के अपील पे 5 दिए मंदिर में लगाने, आप भी लगा लेना, लगा लिए होंगे, ब्लॉग तो 2 दिन बाद ही देखोगे। तो चलिए चलते हैं, हम भी चलते हैं। अरे मंदिर नहीं जा रहे क्या दिए वे लेके? मम्मी के साथ तुम नहीं जाओगे? जय श्री राम। चलो मंदिर चले दिए वे लेके, चलो फिलहाल मंदिर में हो रही है आरती। ओ भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया ना है? अभी नाचना है ना, मजा नाचने का। तो गाइस अभी मैं आपको गली दिखाता हूँ हमारी। चलो भाई पटाखे फोड़ेंगे, मेरे को दे दे कुछ क्या का सामान है। हाय हाय मजा आ जाएगा। चलो यार चला, हाँ बच्चे ले रहे हैं मजे। तुम ही मना रहे हो दिवाली? अरे डीजे की पिकअप खराब हो गई और अपने पैसे भी बच गए और अपना काम भी हो गया, डीजे की पिकअप खराब हो गई। जलाओ जलाओ भैया। भैया सच की दिवाली बन गई है, माहौल तो बन ही गया है।
अपना ब्लॉग भी शुरू करा। क्या भाई होना भी चाहिए ना यार, 500 साल बाद मौका मिला है, अपनी औलादों को क्या दिखाओगे, पहले दिवाली बनाई थी। अरे तो पब्लिक से बातें की घंटा बाबू की घंटा बाबू तो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मेरे घर और देख ही रहोगे आप लोग मेरे पीछे क्या माहौल बन रहा है ना। ये देखो भाई दिवाली है गुरु दिवाली, मतलब मोदी जी कह रहे हैं ना आज होली है तो होली है, कल राखी है तो राखी है, अपने देश की जीडीपी ऐसे ही बूम कर जाएगी भाई। तो फाइनली अभी थक गए और भाई फुल पटाखे चल रहे हैं और अपन ने भी चलाए, इतनी ज़्यादा थकान हो गई। और एक ही ट्रेन, मतलब मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ ना ये जरूर आती है डिस्टर्ब करने के लिए, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब यार दिवाली मनाने का मौका मिल गया, 2024 की पहली दिवाली तो बना ही ली, और कितनी खुशनसीब है हम लोग जो 500 साल का संघर्ष अब जाए ख़त्म हुआ है, और अपन आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे कि भाई हमने देखा मंदिर बनते हुए, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी करा भाई, डीजे ही बजाया, बच्चों ने भी फुल मज़े लिए, सबसे ज़्यादा मज़े तो बच्चों ने ही लिए, मुझसे भी ज़्यादा मज़े तो, और मैं तो क्या 2 दिन से तैयारियों में ही लग रहा था। तो चलिए अब मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ी बहुत कमियाँ हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया करो यार, क्योंकि आप लोग मुझे कमियां बताओगे तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, और नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि मेरा व्लॉग तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना क्योंकि मैंने बनाया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।